हेलो गाइस, वेलकम टू लीगम लाइव। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज को लेके जो कि आईपीसी से डील करते हैं। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन पिनल कोड 1860 केम इन टू फोर्स। सो आपको पता है कि जो हमारा आईपीसी है वो सबसे यू नो इनेक्टमेंट डेट अलग रहती है और जो इन्फोर्समेंट डेट है वो यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट जैन 1862 आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें टू, क्वेश्चन नंबर टू पे देखते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पिनल कोड नॉट अप्लीकेबल। अब तो क्या है कि जेएंड के ऊपर भी अप्लाई होता है ये क्वेश्चन, क्या पहले का है, तो आप इसको ध्यान रखना। हर जगह फॉरनर पे, इंडियन एयरक्राफ्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, ऑफेंस टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया वहाँ पर अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो हर जगह लागू होगा इंक्लूडिंग जेएंड के। स्टेट ऑफ जेएंड के पर भी हमारा आईपीसी अप्लाई होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव रहेगा आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर टू है, ये पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, सेक्शन 3 और 4 क्या है हमारा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है आईपीसी के। इंट्रा में आपका सेक्शन 2 रहेगा, ध्यान रखना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन पिनल कोड इज ट्रू। द इंडियन पिनल कोड अप्लाइज टू द एवरी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द दिस कोड। बिल्कुल सही है, एवरी पर्सन पे अप्लाई होगा। द इंडियन पिनल कोड अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड इन द सिटीजन ऑफ इंडिया विद इन द बियॉन्ड इंडिया, इंडियन सिटीजन है और वो क्या है बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। एनी पर्सन है, कोई फॉरनर भी है वो इंडिया में आके ऑफेंस कमिट कर रहा है उसके ऊपर भी, ये और भी अब तक ठीक है। एवरी सच एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पुनिशेबल अंडर द आईपीसी, यानी कि यहाँ पे ये बात भी सही है, ठीक है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नेशनल ऑफ पाकिस्तानी फायर्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एंड ए पर्सन विद इन इंडियन बॉर्डर इज किल्ड, द रिलेटिव फ्रेंड एंड अदर इंडियंस रश एंड ड्रैग द पाकिस्तानी टू बॉर्डर इंडियन पुलिस स्टेशन, कैन द इंडियन कोर्ट कैन ट्राई द अक्यूज फॉर द मर्डर। राइट आंसर इज यस, उसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वॉर नहीं चल रही थी, ठीक है। तो उस केस में उसने हमारे इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस कमिट किया तो वो उसके लिए ट्राई किया जाएगा। सो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी, ध्यान रखना है आपने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए स्पेनिश सिटीजन वो वाज रेजाइडिंग इन पेरिस इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच इज कॉन्सिक्वेंसिस वॉज कमिटेड इन इंडिया ही, ए इज लाइबल एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया, इज लाइबल सिंस द इंडियन पिनल कोड आल्सो एक्सटेंड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्ट, सी कैन बी हेल्ड लाइबल बिकॉज द ऑफेंस वॉज टू बी कमिटेड इन इंडिया, डी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो डी तो होगा ही नहीं, स्पेनिश सिटीजन है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, इंस्टिगेशन की है यहाँ पे और इंडिया में ऑफेंस कमिट किया, इज लाइबल एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड इन इंडिया। सो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ए, ठीक है, ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है ए, ए, ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट ए मर्डर इन इंग्लैंड, ही इज़ फाउंड इन इंदौर एंड अरेस्टेड अकॉर्डिंगली, वेयर ए कैन ए बी ट्राइड। इंदौर में मिला है तो जाहिर सी बात है कि इंदौर में उसको क्या है ट्रायल किया जाएगा सीधा, और कुछ आपने देखना ही नहीं, भोपाल, दिल्ली, अदर प्लेस ऑफ इंडिया आपने कुछ नहीं देखना। सो राइट आंसर आपका रहेगा सी, अगर वो इंदौर में मिला है तो उसी को वहीं पर ट्राई किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड द इंडियन कोर्ट हैव ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे अब देखना। नंबर वन, क्राइम कमिटेड बाय इंडियन इन फॉरेन कंट्री, इंडिया का है बाहर जाके ऑफेंस कमिट करता है, फॉर एग्जांपल दूसरी शादी कर लेता है तो इंडियन आईपीसी लगेगा उसके ऊपर, बाइगेमी के चार्ज लगेंगे। बी, क्राइम कमिटेड बाय फॉरनर इन इंडिया, कोई फॉरनर है इंडिया में कि कोई ऑफेंस कमिट करता है चार्जेस लगेंगे। क्राइम कमिटेड बाय ए पर्सन ऑन इंडियनशिप पे अगर कोई भी चाहे फॉरनर है या फिर हमारा यानी कि सिटीजन है तो उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। सो ए बी सी यानी कि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट राइट है, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है।
सॉरी डी, 1, 2, 3 स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का। ए फॉरनर स्टेप बी अनदर फॉरनर इन ए फॉरन वैसल। देखिए दोनों फॉरनर है, फॉरनर वैसल की बात हो रही है, यानी कि फॉरनर फॉरन जो भी सिप है उसकी बात हो रही है। ऑन द हाई सी, हाई सी जहाँ पे किसी की ज्यूरिडिक्शन नहीं, ना इंडिया का कोई वहाँ पे लेना देना ना किसी अदर कंट्री का। बोथ एंड बी वर ब्रॉट टू बॉम्बे टू ट्रीटमेंट वर बी डाइड। ए इज ऑल्सो अवेलेबल इन बॉम्बे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पिनल कोड IPC। सो एज ए देखते हैं ऑप्शन, एज बोथ द डिजीज एंड द अक्यूज बिलोंग टू फॉरन कंट्री एंड द ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस हैज टेकन प्लेस ऑन द हाई सी। बिल्कुल सही बात है, IPC इज नॉट एप्लीकेबल टू ए एंड हैंस द कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया। देखो पहले वाली ए की जो स्टेटमेंट है वो सही लग रही है, आगे की ओर देखते हैं क्या वो भी रेलिवेंट बनती हैं। IPC इज एब्सोल्युटली नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरनर हैंस ए। एब्सोल्युटली एप्लीकेबल वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई फॉरनर है, अगर इंडियन सिप है या फिर कोई इंडिया में आके ऑफेंस कमिट करता है फिर तो अप्लाई होता है, एब्सोल्युटली की कोई बात ही नहीं है। तो बी वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। सी एज द ऑफेंस इज कम्प्लीटेड इन इंडिया टेरिटरी एंड अक्यूज, नहीं इंडिया की टेरिटरी है ही नहीं, हाई सी पे हुआ है, हमें आगे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डी एज IPC इज अप्लीकेबल टू इंडियन एज वेल एज फॉरनर। ए मस्ट भी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फॉरनर पे तभी अप्लाई होगा जब वो इंडियन हाई सी पे रहते हैं, सॉरी इंडियन सिप पे रहते हैं या फिर वो इंडिया में रहते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन रहती है इंडिया की, सो वहीं तक हमारा IPC अप्लाई होगा। ठीक है, हम हर किसी फॉरनर पे अपनी IPC अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि IPC हमारा क्या है, लेक्स लोकाय। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जनरल एक्सप्लेनेशन से डील करता है क्वेश्चन नंबर 10। एंड इंडियन पिनल कोड द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज फॉर मेल फीमेल एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। भाई जो ही है वो IPC में जो ही यूज़ किया जाता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। सो राइट आंसर सी। देखिए जहाँ पे आपको कंफर्मेशन हो ना, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो या कोई भी हो, थोड़ा देखना आपको, टाइम बचाना, क्योंकि डी आपका सच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन कोर्ट, बिल्कुल ही यूज हुआ है मेल और फीमेल के। सो राइट आंसर सी। 11th, अंडर द इंडियन पिनल कोड ए पर्सन इज डिफाइंड एज ए इंक्लूडिंग एनी कंपनी और बॉडी पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मीनिंग ओनली इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, सी मीनिंग ओनली एज मैन, डी नन ऑफ द अबव। सो ए हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, इंक्लूडिंग एनी कंपनी और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सो चेक क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, 12, इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन पिनल कोड 1860 इंडिया मींस, ये क्वेश्चन क्या सब कुछ रहता है अभी एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी पहले का क्वेश्चन है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट एंड जम्मू कश्मीर, ये गलत बात है, अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर भी हमारा भारत का यानी कि इंडिया का हिस्सा है, तो ये आपने याद रखना अभी। ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11th, पब्लिक सर्वेंट से डील करता है क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ द IPC पब्लिक सर्वेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्वेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, रैंडमली पूछ लेते हैं आपसे पब्लिक सर्वेंट कौन है, पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है, कौन से सेक्शन से डील करता है। ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे कन्फ्यूज करने के लिए कि पब्लिक सर्वेंट कौन है। सो ये चाहे आप जुडिशरी में जाके बैठोगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है लॉ का, लॉ से रिलेटेड, लाइक आपका ADA है, APO है आपका, या फिर आपका UGC नेट है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, घुमा फिरा के आपको पूछते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, सेक्शन 21 हमारा बात करता है पब्लिक सर्वेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कौन नहीं है ये देखना हमने। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का हम ए देखते हैं, कमीशन ऑफिसर इन, बिल्कुल भाई है वो तो पहले ही बताया हुआ उन्होंने हमारे सेक्शन 21 में। बी आर्बिट्रेटर भी होता है,
ऑफिसर भी होता है वो किसी को कन्फाइंड करता है एनी पर्सन को, सी वाला। ऑफिसर भी होता है पब्लिक सर्वेंट, आर्बिट्रेटर भी और कमीशन ऑफिसर है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। डी देखते हैं ना एडवोकेट वो पार्ट प्रैक्टिस लॉ इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो हिंदुस्तान में बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, नंबर ऑफ एडवोकेट्स इन ऑल ओवर कंट्री, सो इट इज सो ये पब्लिक सर्वेंट। डी वाला आंसर बिल्कुल गलत, ठीक है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, याद रखना एडवोकेट पब्लिक सर्वेंट नहीं है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बिल्कुल है, करुणा निधि का केस था, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड फिल्म सेंसर है, सर्वेयर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, एक सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, और सी आपका सर्वेयर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉयज ऑफ ए नेशनल बैंक, ठीक है। सो जनरली हम आईपीसी की बात करें सो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को क्या है कि पब्लिक सर्वेंट नहीं माना था, लेकिन एक केस आया था जिसमें करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को पब्लिक सर्वेंट माना था। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि एज पर अगर हम केस की बात करें करुणा निधि की, वहाँ पे इसको पब्लिक सर्वेंट माना गया था। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15 में आपका पब्लिक सर्वेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर, सर्वेयर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी की जो सर्वे करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आईपीसी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर वाली बात सही है, क्योंकि करुणा निधि का केस था, वहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सीएम एज पब्लिक सर्वेंट, सो सी आंसर रहेगा, सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 16, इट वाज हेल्ड दैट चीफ मिनिस्टर वाज पब्लिक सर्वेंट, देखो करुणा निधि का अगला ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21, म्यूनिसिपल कमिश्नर है पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी डिसाइड हुआ केस में, MLA, ये भी डिसाइड हुआ केसेस में, ठीक है। ऑन तले के बाद बहुत सारे केसेस आए हैं, जैसे आपका आडवाणी जी का केस था, लालू प्रसाद का केस था, ठीक है, इन सभी में डिसाइड हुआ। एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा डी, एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट नहीं है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में आपको। सो इसमें लिक्विडेटर होता है, सिविल जज होता है, मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो राइट आंसर ही डी। सो दोस्तों ये थे कुछ एमसीक्यूज आपके आईपीसी से रिलेटेड, जो भी बच्चा हम आगे भी एमसीक्यूज को यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।